मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली में एक बिल्डिंग में दरार पड़ने से 240 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ठाणे के डोंबिवली के नीलंज में लोढ़ा इवेंट शांति उपवन में बड़ी दुर्घटना उस वक्त टल गई जब एक इमारत जमीन में धंसने लगी और 5 बिल्डिंग के बीच में दरार पड़ गई। बिल्डिंग जो 20 वर्ष पहले ये बनाई गई थी, टोटल इस बिल्डिंग में 5 विंग है और 250 परिवार यहाँ पर रहता था। कल शाम करीब 9 बजे के आसपास में बिल्डिंग में दरार पड़ने की खबर सामने आई और सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया और देखते ही देखते ये बिल्डिंग नीचे धंस गई। 250 परिवार किसी तरह से अपनी जान बचाकर इस बिल्डिंग से बाहर आए और इसके बाद दमकल विभाग और मनपा कर्मचारी JCB लेकर पहुंचे। मौके पर मंत्री रविंद्र चौहान, विधायक राजू पाटिल भी पहुंच गए। बहरहाल सभी रहने वाले लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और बिल्डिंग जो है ये जल्द से जल्द रिपेयरिंग करके उन्हें दिया जाएगा। वहीं F और B विंग जो है वो अधिक धोखादायक हो चुकी है, उसे गिराकर फिर से बिल्डिंग तैयार किया जाएगा। वहीं 47 परिवार कहाँ रहेंगे, अब ऐसा सवाल उठ रहा है। फिलहाल 240 परिवार बेघर हो चुके हैं, एक दूसरे रिश्तेदार या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को पेपर देने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से मदद की है। ये कौन सा इलाका है और बिल्डिंग का नाम क्या है और अपनी कितनी गाड़ियाँ, कितने जवान लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? ये लोढ़ा हेवन साईं बाबा मंदिर के सामने बिल्डिंग है, ये निर्जे में। ये रात के करीबन 9:40 को कॉल आया फायर ब्रिगेड को, तुरंत फायर ब्रिगेड के जवान हाजिर हो गए, 3 गाड़ी आ गई। परिस्थिति का ये देखा, हम लोगों ने 240 फैमिली को बाहर निकाल लिया, मतलब पूरा बिल्डिंग खाली कर दिया। और अभी हम लोगों ने सुबह जो भी कागज़ पत्र है, पैसा है या उनका कुछ गहना वगैरह है, वो निकालने के लिए एक एक फ्लोर को लोगों को भेज दिया और उसके साथ हमारा जवान था। तो 2 बिल्डिंग अभी पूरी तरह से हमने लोगों का जो आवश्यक सामान है वो उसके साथ वो खाली किया है। पहली सूचना किसने दिया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं? कैसे, नज़दीक में फायर ब्रिगेड है, बाहर नंबर भी रखा है, पब्लिक ने दिया था कॉल। तो कौन सी कितनी विंग है इसमें और कौन सी विंग जो ज़्यादा डेंजर है? इसमें टोटल 5 विंग है, पूरा 5 विंग एक दूसरे को कनेक्ट है, तो F विंग है वो ज़्यादा डेंजर है अभी। सर क्या कंडीशन है, जैसा देख के आपने मुआयना किया होगा, क्या कंडीशन है उसकी? कितने भयानक होता अगर पब्लिक नहीं उतर पाती तो? वो तो बात की बात है, बहुत नुकसान होता, जानमान का नुकसान ज़्यादा होता। कितने सुरक्षा कर्मी आपके दमकल विभाग? मेरे इधर मेरे 22 लोग है और ऑफिसर 10 है, टोटल 32 लोग अभी है इधर। तो अभी जैसा सिस्टम, एक एक सिस्टम से लोगों को घर संभाल आने दिया जा रहा है, हाँ। तो क्या सभी बिल्डिंगों में इस तरह से लोगों को? नहीं, हम लोग खाली 5 में से 3 ही बिल्डिंग का इस तरह का ऑपरेशन करेंगे, 2 बिल्डिंग का नहीं करेंगे क्योंकि वो खतरे में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। कितना समय लग सकता है बाकी सभी लोगों को सुरक्षा करने में? ऐसा अगर लोगों ने कोऑपरेट किया तो हम 2 घंटे में पूरा ये कर सकते हैं। जी सर, अभी कल शाम को कुछ 7-8 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, मैं खुद यहाँ पे नहीं था। मेरे माँ बाप है जो कि आसपास 70 साल की एज है उनकी, वो लोग कैसे तो करके बाहर आए। मेरे जो फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम फैमिली की तरह रहते हैं, वो लोग उनको लेके आए बाहर। अभी कल रात से जो 250 फैमिली से 250 फ्लैट है हमारे 5 विंग में, अचानक से ये सब होना, बाहर आना। और हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारी तकदीर इतनी अच्छी है कि हमारी एक भी लाइफ अब हमारी गई नहीं है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदरवाइज अब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ आश्वासन मिले हैं, कुछ हो रहा है, बिल्डर भी बोल रहे हैं कि हम ये करके देंगे, वो करेंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो हम लोग, कितना वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी इसके? ये लगभग 20 साल के आसपास पुरानी है। इसके बिल्डर कौन थे? ये लोढ़ा साहब हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें लापरवाही बरती गई है बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग बनाने में लापरवाही बरती गई है कि नहीं गई है? जैसे अभी जो स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह होना चाहिए तो वो होता है, तो उसमें उनको रिजल्ट आ सकता है कि क्या हुआ है एग्जैक्ट।
अभी 250 परिवार कहाँ है उनका, सब रास्ते पे है सर, कोई रिलेटिव के यहाँ पे गया है, हम कुछ जो खड़े है जो जहाँ पे हमको एंसर करना है, हमको देखना है, हमारा सामान पड़ा है, कुछ हमारे मतलब कुछ छोटे पालतू प्राणी थे उनको भी आज रेस्क्यू किया गया, वो कल रात से अभी तक अंदर ही थे, तो सब रास्ते पे ही है, ऐसे समझो सब रास्ते पे। कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से अभी तक तो कोई ऐसे ऑफिशियल आश्वासन नहीं आया है हमको। अभी रविंद्र चौहान जी आए थे, हाँ जी, उन्होंने क्या उन्होंने जो बताया है अभी उन मतलब जो जिस तरह से बताया है उस तरह से अगर हो जाता है तो हमको बहुत राहत हो जाएगी, सरकार हम पे ध्यान देगी अगर सब करेगी तो। कोई 10वीं 12वीं के बच्चे लोग हैं? 10वीं 12वीं के बच्चे लोग तो रहेंगे ना सर, 250 फैमिली है, 10वीं के रहेंगे, 12वीं के रहेंगे, छोटे भी बच्चे रहेंगे, कुछ नेशनल्स एग्जाम्स रहती है, इंटरनेशनल एग्जाम्स रहती है, सबका कुछ न कुछ है, सब डिस्टर्ब तो हुए ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये जो आपातकालीन स्थिति है तो हम तो चाहते हैं कि इससे हम जैसे हो जितना जल्दी हो हम बाहर आए और हम मैं नहीं हमारे जो 250 फैमिलीज है सबको राहत मिले।